YouTube चैनल ऑफ सिकर एकेडमी रावत सर। सिकर एकेडमी रावत सर और बाल नवजीवन शिक्षण संस्थान दोनों की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इसमें अपन लोग कंटिन्यू कर रहे थे प्लस टू की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, विच इज सॉलिड स्टेट। अंडरस्टैंड गाइस, अब अपने को करना है, यहाँ अपन लोगों ने पीछे जो डिफेक्ट्स थे वो डिफेक्ट्स क्लियर कर चुके हैं। जितने भी सॉलिड्स में डिफेक्ट्स के टाइप थे, स्टाइकोमेट्रिक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, इम्प्योरिटीज है, इलेक्ट्रॉनिक है, दीज ऑल आर क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस यूट्यूब चैनल पे जो कोई भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा दूसरा चैनल जिस पर साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया जाता है, बट रैंडमली यहाँ पर लोग जो बात कर रहे हैं ये आरबीसी सिलेबस की बात कर रहे हैं, ना कि रैंडमली सिलेबस की। कोई स्पेसिफिक टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया जाता, यहाँ जो टॉपिक स्टार्ट किया जाता है दैट इज अकॉर्डिंग टू आरबीसी सिलेबस। अंडरस्टैंड गाइस, तो आप उस चैनल को भी देखें, वहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। रियली दैट इज वेरी गुड चैनल, so you have to subscribe it, I think so। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस, डिफेक्ट्स के बाद अपने आप करने जा रहे हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ देम इज कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड। इससे पहले गाइस, लास्ट क्लास में या सेकंड लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे घर पे करने के लिए जो होमवर्क, तो उसमें से ठीक है स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे उसके आंसर के लिए, लेकिन और किसी का भी कमेंट नहीं आया। तो ऐसी आपसे अपेक्षा है कि जो भी इन वीडियोस को देखे वो इन न्यूमेरिकल्स को करें और उसके बाद उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ये मालूम चल सके कि हम लोगों ने यहां जो करवाया है उससे कितनी हेल्प हो रही है गाइस की, कितनी हेल्प हो रही है स्टूडेंट्स की, ताकि हम लोग जो कर रहे हैं क्या उसकी कुछ सार्थकता है, क्या क्या उसकी कुछ वजह, जो हम लोगों ने जिस वजह से चैनल को प्रारंभ किया है, जिस वजह से क्लासेस स्टार्ट की है, क्या इन क्लासेस का कुछ एडवांटेज हो रहा है या फिर हम बिना मतलब यहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, मैं चाहता हूं कि आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को देखें और न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद क्लास वहां कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। गाइस, ये सारा कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है, कोरोना की वजह से स्टडी में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम घर बैठे हैं, इस टाइम तो वैसे घर बैठे रहते थे, लेकिन नुकसान किस बात का, लेकिन आप लोग घर जाते थे अप्रैल के पास में, ठीक है, और उसके बाद कुछ बीच में हॉलीडेज आती थी, समर वेकेशन स्टार्ट होती थी, और उससे बाद थोड़े टाइम बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, यानी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, और अब आप लंबे टाइम से क्या घर के अंदर बंद है, आपका माइंड क्या होता है, पजल होता जा रहा है, स्टडी के लिए काफी कुछ जगह काफी कम जगह बचती जा रही है। तो ये सारा कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसमें, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो मेहनत की जाए, जो टीचर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप उस मेहनत का बराबर साथ दें, बराबर मेहनत करें, जिससे हम लोग जो वर्क कर रहे हैं इसको कुछ सार्थकता मिले और आप लोग इस स्टडी का एडवांटेज उठा सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ मेरी बात को समझे होंगे, और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह जो यहाँ वर्क दिया जाता है, जो यहाँ स्टडी करवाई जाती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है गाइस। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिड। कंडक्टेंस जो है वो अपन लोग पढ़ते आए हैं, सिक्स क्लास में पढ़ा है, सेवंथ में पढ़ा है, एट्थ में पढ़ा है, नाइन्थ टेंथ प्लस वन, इन सभी क्लासेस में वी हैड ऑलरेडी रीड अबाउट ए टाइप ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, लाइक दिस सॉलिड्स आर सॉलिड्स ऑल्सो हैव सेम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टेंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंडक्टर्स,
and you can say type of matters, type of objects on the conductivity. How many type of objects on the basis of their conductivity? तो आप कहेंगे सर कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है एंड थर्ड वन इज ए सेमी कंडक्टर है. तो यही अपने कह रहे हैं यहाँ सॉलिड भी इसी बेस पर इन्हीं में डिवाइड होते हैं. हालांकि अगर अपने और बड़े लेवल पर देखें तो इनको टोटल 27 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टोटल 27 पार्ट्स में. लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने उनको नहीं पढ़ेंगे और वो काफी ज्यादा मतलब डीप सर्च की जाती है तो उस टाइम काफी ज्यादा मतलब यूज आते हैं, लेकिन यहाँ यूज नहीं आने वाले अपने. तो फर्स्ट जो है अपना वो है कंडक्टर गाइस, सेकंड जो है वो है नॉन कंडक्टर और थर्ड मैनेजर is conductor and definition of conductor क्या होगी? जिन solids में से electricity flow कर सकती है, these are known as conductor. Understand guys? The solid which allow flowing of electrons through them are known as a conductor. Like this, which don't allow to flow of electron through them. Semiconductor क्या है? In specific particular conditions वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का अलाउ करते हैं, बाकी नहीं करते. ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक है. यहां अपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं. वो एक्स्ट्रा ऐड क्या करने वाले हैं? वो ऐसे कहूंगा कि देखो सर, ये जो कंडक्टर है ना, ये क्या कर सकता है? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन ये कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पे भी पॉसिबल है. 0 केल्विन पे भी पॉसिबल है. इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर्स ऑन एट 0 केल्विन टेम्परेचर. 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं? फ्लो इसमें से होती है. अंडरस्टैंड गाइस? नॉन कंडक्टर में से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती. इट मींस यहां क्या कहेंगे, यहां क्या नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. अब ये हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉलिड्स में क्या होने चाहिए? देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. नाउ व्हाट इज दिस होल्स, इसकी अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. अपना टॉपिक आएगा होल के ऊपर, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. अपने देखेंगे होल क्या होता है. बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ वी से दैट एनी सॉलिड इज कंडक्टर, देन इट शुड हैव टू its parts. First is a free electrons, second is a holes, third one is a ions. Third one is a ions. Ion also help in conductivity. Ion भी conductivity में help करते हैं. ठीक है, लेकिन अपने यहां solid के अंदर main जो अपना aim रहेगा, focus रहेगा, it will be on a free electrons and holes. Understand guys? तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं होते. सेमीकंडक्टर के अपने लास्ट में बात करने ही वाले हैं. तो कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? इस बेसिस पर सर कंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज ए मेटेलिक. फर्स्ट वन इज गाइस ए मेटेलिक, सेकेंड इज ए आयोनिक. अंडरस्टैंड? फर्स्ट इज मेटेलिक, सेकेंड इज ए आयोनिक. नाउ we are going to discuss about metallic, then we can say that metallic conductor are those conductor in which region of flowing electrons is a, and you can say region of flowing electricity is a free electron. क्या होते हैं guys? region क्या होता है? free electrons. it means इसके पास क्या होते हैं? metallic जो होगा उसके पास free electrons होंगे, और ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू मेटेलिक सॉलिड. अंडरस्टैंड गाइस? तो यहां क्या कहेंगे, मेटेलिक कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का रीजन होते हैं. आयनिक की बात करें,
तो आयोनिक जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दीज आर आयंस, दीज आर आयंस, आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। ठीक है, अब आयंस कैसे होते हैं? आयंस होते हैं जब आप जैसे कि मतलब HCl है, जैसे कि मतलब NaCl है, आयोनिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे NaCl है, NaCl क्या एक सॉलिड है, जब आप इसको डिसोसिएट करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू Na+ Cl-, और ये क्या बन चुके हैं, ये आयन बन चुके हैं, और इस तरह इनमें क्या होता है आयंस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। इसका एग्जांपल H2SO4 भी है। लिक्विड की बात करो तो आप इनकी लिक्विड की बात कर सकते हो, अगर आप इनके सॉलिड की बात करो तो सॉलिड की बात कर सकते हो, यानी कि इनकी सॉलिड जो है फॉर्म उस स्टेट की बात करें तो। मेटेलिक के तो काफी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, और भी काफी सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, और इनके एग्जांपल की तो जरूरत ही नहीं है सर। इसके एग्जांपल हमें मालूम है कौन कौन से हैं, तो ये है सर वुड एंड रबर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए, तो कंडक्टर एग्जांपल कंप्लीट हो गया, नॉन कंडक्टर अपना कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि दे बिहेव एज ए नॉन कंडक्टर, दे बिहेव एज ए नॉन कंडक्टर एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। समझे कुछ बात, यानी जीरो केल्विन पर ये नॉन टेम्परेचर की तरह, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। बट व्हेन वी स्टार्ट्स टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, when we starts to increase its temperature, now it start to behave as a conductor, यानी कि जब आप इसका temperature जैसे जैसे आप increase करोगे, temperature क्या करोगे increase करोगे, तो साथ साथ है जो conductivity है वो भी क्या होती जाती है increase होती जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है because अगर अपने बात करें स्पेसिफिक सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाए रखता है जीरो केल्विन टेम्परेचर पर अदर सिलिकॉन एटम्स के साथ, फोर बॉन्ड की एक क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कितने की फोर बॉन्ड ये एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। बट व्हेन यू स्टार्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इसको क्या मिलनी स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्या मिलना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। एनर्जी से क्या होगा, ये बॉन्ड क्रैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, बॉन्ड क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और बॉन्ड क्रैक होने से क्या मिलेंगे इसको, यू नो वेरी वेल गाइस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे देन इट स्टार्ट्स टू बिहेव एज ए कंडक्टर, इट मींस इट्स नेचर ऑफ कंडक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, अंडरस्टैंड गाइस। तो इस तरह होते हैं। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, किससे रो। ठीक है, अपने लिखेंगे रो की वैल्यू इनके लिए क्या क्या होती है। ठीक, सबसे पहले मैं लिखता हूं नॉन कंडक्टर के लिए, ध्यान रखना इसमें जो वैल्यू होती है 10^-22 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दिस इज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर ए नॉन कंडक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट ए कंडक्टर, देन इट्स वैल्यू इज 10^4-10^6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अंडरस्टैंड गाइस, द सॉलिड्स which specific resistance is 10^ is between 10^4-10^6 ohm inverse meter inverse is conductor, will be conductor, वो क्या होगा conductor होगा। इसकी value जो होती है semiconductor इन दोनों के बीच की होती है, कितनी होती है सर, ये होती है 10^4
4 to 10 की पावर माइनस 6 ओम इनवर्स। अब ये लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 6 टू 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर। ठीक है गाइस, ये उसके लिए रो की वैल्यू है, नॉन कंडक्टर के लिए रो की वैल्यू लिख दी, कंडक्टर के लिए रो की वैल्यू लिख दी। तो अब क्या रह गया, अब एक हल्की सी बात हो रहती है हमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें तो आप कुछ भी करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, यहां कुछ नहीं होने वाला। यहां पर नॉर्मल बढ़िया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टर्स, वी हैव रीड टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक एंड आयनिक। देन फर्स्ट वी टॉक अबाउट मेटालिक, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटालिक। चलो मेटेलिक से पहले अपने आयोनिक देखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा मेटेलिक को देखना, लर्न करना इजी हो जाएगा, है तो ऐसे भी इजी लेकिन थोड़ा सा लर्न करना इजी हो जाएगा। कैसे कि जब इनको टेम्परेचर अपने इंक्रीज करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कंडीशन में है, एक्वस कंडीशन में है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे ये डिसोसिएट होते हैं एंड स्टार्ट्स टू फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी and which will convert into kinetic energy of ions, cations and anions। तो अगर इनकी kinetic energy increase होगी तो run फटाफट कर पाएंगे, ज़्यादा dissociate हो पाएंगे, इससे इससे इनकी conductivity क्या होगी, conductivity increase होगी, क्या होगी, conductivity increase होगी। ठीक है guys, temperature increase होगी। लेकिन यहां क्या होता है, जब यहां आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहां ये इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन होना बढ़ जाता है, वाइब्रेशन जो होता है वो होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा वाइब्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और वाइब्रेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज होने से गाइस रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो आपको ये बस ये लर्न करना है कि यहाँ टेम्परेचर का किस तरह इफेक्ट रहता है। तो ये अपन लोगों ने पढ़ लिया कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी अपन लोगों ने पढ़ा कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड किस तरह कंडक्टिविटी शो करते हैं, किस तरह नहीं करते, इस बेस पे कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनका अपने लार्ज व्यू पे एक क्लासिफिकेशन देखा। अभी अपने क्या देखने जा रहे हैं कि इनमें जो रीजन है इनके कंडक्टर होने का, नॉन कंडक्टर होने का, इनका सेमी कंडक्टर होने का जो रीजन है, उसके पीछे एक और अपने को हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट हो रखी है अपने सामने। देयर इज अ मोर हाइपोथेसिस व्हिच इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड दिस इज अ बैंड थ्योरी, दिस इज अ बैंड थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अंडरस्टैंड गाइस, तो बैंड थ्योरी के लिए अपने क्या करते हैं, बैंड थ्योरी के लिए बेसिक बहुत ही ज्यादा इजी है बैंड थ्योरी। मैं ऐसे मानता हूं कि कंडक्टर कंडक्टिविटी के लिए जो बैंड थ्योरी है इससे इजी कोई थ्योरी ही नहीं है, इससे इजी कोई थ्योरी ही नहीं है। बस आपको हल्का सा लर्न रखना है और आपको क्या करना है, 2-3 टाइम इसका रिविजन करना है, और रिविजन करने के बाद मैं कहता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी में, आपकी 60 इयर्स की एज तक अगर कोई आपको पूछेगा नहीं कि बैंड थ्योरी क्या होती है दादाजी, तो आपको ये इसकी बैंड थ्योरी होती है, इतना इतनी ज्यादा है जी। तो देखते हैं, तो अपने बात करते हैं फिर मेटल की। कॉमन सी बात है गाइस, मेटल्स में क्या होंगे, मेटल में एटम होंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ एटम इन एनी मेटल। अंडरस्टैंड गाइस,
सॉलिड्स की बात कर रहे हैं अपने, देयर इज अ लॉट ऑफ एटम इन अ सॉलिड्स मेटल. इफ देयर हैव इफ इट हैव अ लॉट ऑफ एटम इट मींस इट आल्सो हैव अ लॉट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स समझ में आने ना गाइस मेरी बात. इसके पास एटम है तो क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे. और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. ये डिपेंड जो करती है थ्योरी, ये डिपेंड करती है एमओटी पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी. यानी कि जो एटम्स होते हैं वो किस तरह मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल बनाते हैं, ये प्लस समझ में आप लोग पढ़ चुके हैं एक बार. तो बस अपने को ये ध्यान में रखना है कि एमओटी पे बेस है. अगर आप में से किसी स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि सर एमओटी क्या होती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जब भी अपने कोई एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक क्लास लेंगे इन थ्योरीज पे, अपने आने वाले टाइम के अंदर है, इन स्पेसिफिक थ्योरीज है, वेस्पर थ्योरी है, एमओटी है, इन थ्योरीज पर अपने एक स्पेसिफिक क्लास स्टार्ट करेंगे कि एक क्लास एमओटी पे, एक क्लास वेस्पर पे, इसी तरह अलग अलग अपने एक क्लास है, कोई रेजोनेंस पे स्टार्ट करेंगे, इसी तरह अलग अलग जो टॉपिक रहेंगे उन टॉपिक पर अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी. तो लेकिन एक बार अपने बस अगर आपको इतना नेम मालूम है कि बेड थ्योरी इज डिपेंड ऑन एमओटी, इट इज इनफ. ओके, तो अपन लोग कह रहे थे अगर कोई सॉलिड है तो उसमें एटम बहुत ज्यादा होंगे, और एटम होंगे तो एटम के पास क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे. इफ इट हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, देन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, समझे भाई गाइस आप मेरी बात को, ये सारे क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. ठीक है, यहां तक तो काफी इजी है. यहां तक तो अपने 10th क्लास तक पढ़ते रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है s p d f, इनमें होते हैं ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये फॉर्म करते हैं. उसके बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. अब क्या है आगे, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात ये है कि जिनकी एनर्जी क्या होगी, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम, व्हिच एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म बैंड, दे कंबाइन टुगेदर एंड मेक ए फॉर्म ए बैंड. कौन बनाएंगे, जिनकी एनर्जी लेवल क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल. और ये भी आपको बता दूं कि यहां बनने वाले ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है. ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल ही होता है. ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं, जिनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. समझ आ रही ना बात, ये एटम होंगे, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन्हीं एटम इलेक्ट्रॉन्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. यानी इनमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल तभी बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो. ठीक है सर, इतनी बात आ गई समझ में. ये भी समझ में आ गया कि जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, जिनका इक्वल होगा, दे ऑल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए बैंड व्हिच इज नोन एज ए वैलेंसी बैंड, व्हिच इज नोन एज ए वैलेंसी बैंड. अब इसे वैलेंसी बैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज ये लास्ट ऑर्बिट्स होते हैं, क्या होते हैं, लास्ट ऑर्बिट्स. और लास्ट सेल क्या होती है, आउटर मोस्ट या फिर वैलेंसी सेल होती है. जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां वाले कौन सी सेल में है, आप कहोगे सर वैलेंसी सेल में है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, वैलेंसी बॉन्ड, इट इज नोन एज वैलेंसी बॉन्ड, बिकॉज ये लास्ट सेल वाले होते हैं. ठीक है, ये हो गए वैलेंसी बैंड. अब बैंड क्या हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ये एक साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं,
कंबाइन टूगेदर और जो नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो एक नया एनर्जी लेवल बनाते हैं, दिस एनर्जी लेवल इज नोन एज ए बैंड, और इस बैंड को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात आ गई सर समझ में। और इस वैलेंस बैंड में क्या होंगे सर, इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने कहा था अभी। अरे मैंने तो कहा था लेकिन आपको भी तो समझ में आ गया, आप भी तो कह रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों ने लिख दी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है सर, यहां तो ठीक है इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इसके बाहर है कुछ इस तरह और भी एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम के बाहर, होते कि नहीं होते, ये एटम के बाहर और भी ऑर्बिटल्स होते हैं हालांकि जिनका एनर्जी लेवल हाई होता है, जिनका एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आसानी से आ नहीं पाते। आप लोगों को अगर ये मालूम याद नहीं आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन तो यहां तक है आगे और क्यों ऑर्बिट्स होंगे, तो ये याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिलवा दूं एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, इन विच रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी व्हेन एन चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ एंड, और इसके साथ साथ यहां क्या है न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस का भी क्या होगा, यहां कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा यानी कि कुछ ना कुछ उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन ए इलेक्ट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज पार्टिकल है, तो मैक्सवेल क्या कहता है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट कंटिन्यूसली डिक्रीज इट्स एनर्जी, या फिर क्या करेगा देन इट कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी, एनर्जी का क्या करेगा एमिशन करेगा, अगर एनर्जी का एमिशन करेगा तो एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती जाती है और ये कहां जाता है सेंटर में जाना चाहिए। लेकिन इसको इंप्रूव करते हुए नील्स बोर ने क्या कहा था कि सर ऐसा नहीं होता, ये ना तो एनर्जी में उसमें क्या करता एमिशन करता है ना ही गेन करता है, तो करता क्या है ये कि जो मूव करता रहता है, आप लोग यहां सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स भी पढ़ते हैं वो उसमें नहीं बताने वाले। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा था, दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल विच आर ऑल्सो रिप्रेजेंट एज ए KLMN 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जहां है उसे ऊपर वाले जिनको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, और उससे नीचे वाले मैग्नेट एनर्जी क्या करेंगे ये उस टाइम में रिलीज करते हैं, आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाते हैं, ऊपर भी एनर्जी लेवल होते हैं, ये बात नील्स बोर ने बताई थी अगर आप लोगों के ध्यान में है तो, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में प्लस 1 में केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो। इसके बाद चलते हैं अपने, तो ये जो हायर एनर्जी लेवल जो होता है ये भी एक बैंड को क्या कर लेते हैं फॉर्म कर लेते हैं, दिस इज नोन एज ए कंडक्टेंस बैंड। बस इतनी ही बात है इसमें समझने वाली, इतनी ही बात क्या है इसमें समझने वाली है कि वैलेंसी बॉन्ड को कौन फॉर्म करता है, सर वैलेंसी बॉन्ड को जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बना रहे हैं उनमें से जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है द कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए वैलेंसी बॉन्ड, देन कंडक्टेंस बैंड कौन फॉर्म करता है, सर कंडक्टेंस बॉन्ड जो है वो फॉर्म किए जाते हैं जो हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं कंडक्टेंस बैंड फॉर्म होते हैं। वेरी गुड गाइस, अब क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है सर, अब दिक्कत मैं बताता हूं आपको, अब सर अपने पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, इसके बारे में ये अभी अपन लोगों ने कहा किस लिए पढ़ा, ये अपन लोगों ने पढ़ा इसका बेस जो क्यों कंडक्टर नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की अभी अपने एक्सप्लेन करेंगे, तो उनके लिए जो अपना बेस क्लियर होना चाहिए, अपन लोगों ने बेस क्लियर किया है यहाँ पे बैंड थ्योरी के जो मेन हाइपोथेसिस थे जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कंडक्टर, कंडक्टर का जो वैलेंसी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या होता है
ये पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड का क्या मतलब हुआ सर? यानी कि इसमें पूरा भरा नहीं होता, इसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है सर, बात आगे समझ में, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पार्शियली फिल्ड होने से क्या होगा? पार्शियली फिल्ड होने से ये होता है कि चलो एक बार इसको अपने छोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटलिक बेड, जो मेटलिक सॉलिड्स होते हैं, इनमें क्या होता है या कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंसी बैंड जो है ये पार्शियली फिल्ड होने की वजह से कंडक्टेंस बैंड के साथ क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। सर ये ओवरलैपिंग क्यों करता है? बिकॉज इनके बीच में जो एनर्जी लेवल का गैप है, ये जो इनका गैप है ये एक एनर्जी गैप है, दैट इज नॉन एज ए एनर्जी गैप, दैट इज नॉन एज ए एनर्जी गैप। अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी बॉन्ड में, ऊपर है कंडक्टेंस बॉन्ड, कंडक्टेंस बैंड सॉरी, और बीच में है एनर्जी गैप, ये स्पेसिफिक एनर्जी गैप है। अगर ये एनर्जी गैप कम होगा तो वैलेंसी बैंड जो है ये कंडक्टेंस बैंड के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है, यानी इसके साथ ही मिक्स हो जाता है। और ये पार्शियली फिल्ड हो तो जल्दी करता है ओवरलैपिंग, तो कंडक्टर में ऑलरेडी क्या होता है कि इनका एनर्जी गैप क्या होता है, लो, एनर्जी गैप क्या होता है, लो होता है। और इस एनर्जी गैप लो होने से क्या होता है कि ये क्या कर लेते हैं, ये सर ओवरलैपिंग कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाते हैं, ऐसे होते हैं तो मिल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी बॉन्ड से किस में, वैलेंसी बैंड से किस में चले जाते हैं, कंडक्टेंस बैंड में। और जब कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब अपना क्वेश्चन क्या आता है, अपना क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो यहां अपने क्या कहते हैं, यहां अपने ये कहते हैं कि कंडक्टर्स के लिए अपने बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टर्स देन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टर्स कंडक्टेंस बैंड इज वेरी लो, एंड आफ्टर दिस आवर वैलेंसी बैंड इज पार्शियली फिल्ड ड्यू टू बोथ ऑफ द रीजन है वैलेंसी बैंड इज ओवरलैप्ड विद कंडक्टेंस बैंड, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली go in a conductance band, and when electrons can freely move in conductance band then we can say and we say that this specific matter or object or solid is conductor. इस तरह ये conductor हो जाता है, कौन है, solid। मैं आपको reason बता चुका हूँ, क्योंकि overlapping कर लेता है, overlapping कर क्यों लेता है, क्योंकि energy gap काफी कम होता है, ठीक है। second मैं ये बता चुका हूँ कि ये partially क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, और पार्शियली फील्ड होने की वजह से ओवरलैपिंग जल्दी करते हैं, ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ है जो क्या करते हैं, वहां जा सकते हैं ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है गाइस। तो ये अपना क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। तो सर अब आप फटाफट नॉन कंडक्टर बता दीजिए सॉरी, हाँ मैं नॉन कंडक्टर लिख रहा हूं। नॉन कंडक्टर के लिए भी सीधी सीधी बात यह है कि एनर्जी गैप इतना ज्यादा हो जाता है, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड इज सो हाई इन नॉन कंडक्टर्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गो इन कंडक्टेंस बैंड। इससे क्या होगा, आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, आपको यही कहना है बस कि वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, बिकॉज एनर्जी गैप इज सो हाई। कितना हाई होता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डायमंड की बात कर ले, 511 किलो जूल पर मोल, इतना गैप होता है और इतनी एनर्जी दी जानी नॉर्मल कंडीशन पे असंभव होती है, इम्पॉसिबल होती है, सो इट बिहेव एज नॉन कंडक्टर, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। थर्ड क्या होते हैं सर, मैं बता देता हूं, आपके मालूम नहीं है तो, थर्ड होते हैं बेटा नॉन कंडक्टर, होते हैं सेमीकंडक्टर, सॉरी नॉन कंडक्टर पढ़ चुके हैं सर। सेमीकंडक्टर में क्या सिस्टम होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे
लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर में इंक्रीज करते जाते हो, बॉन्ड क्या होते जाते हैं, ब्रेक होते जाते हैं। व्हेन यू आर व्हेन यू स्टार्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन बॉन्ड्स आर स्टार्ट टू ब्रेक, बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और बॉन्ड टूटने से क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसमें आ जाते हैं, वैलेंसी बैंड में आ जाते हैं। अब उसको और एनर्जी मिलेगी तो ये कहां जाते हैं, कंडक्टेंस बैंड में। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैलेंसी बॉन्ड में बैंड में आएंगे, पहले तो क्योंकि पहले इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर ये वैलेंसी बैंड में आएंगे, फिर वैलेंसी बैंड से किसमें चले जाएंगे, कंडक्टेंस बैंड में चले जाएंगे। तो सर इसमें एनर्जी गैप कितना होता है, इसमें एनर्जी गैप कितना होता है, जीरो केल्विन पर तो एनर्जी गैप ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा नहीं सकते, एनर्जी लेवल यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जा सकते हैं। सर कितना होता है, तो चलो मैं आपको बता देता हूं, किसका, सिलिकॉन के लिए जो सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछा जाता है 62106 किलो जूल पर मोल मास। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतना एनर्जी लेवल इसमें होता है। अगर इसमें आप लोगों किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इजी है, आप लोगों को ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत भी नहीं है। इतना आसान टॉपिक तो शायद फिफ्थ क्लास में भी नहीं होता होगा, फिफ्थ क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग है, इतना इजी टॉपिक तो फिफ्थ क्लास में भी नहीं होता जितना आप वाली क्लास में इतना इजी टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो कुछ अपने इस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जीरो डिग्री टेम्परेचर
जीरो केल्विन टेम्परेचर दे बिहेव एज नॉन कंडक्टर, और जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड जो है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉन्ड क्रैक होने से इनके पास क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, वैलेंसी बैंड में आ जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर वैलेंसी बैंड से कहाँ चले जाते हैं, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है वो चले जाते हैं कंडक्टेंस बैंड में, और ये बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। ये अपन लोग पहले ही कर चुके हैं, इसीलिए अब इसको वापस एक्सप्लेन दोबारा नहीं करने वाले, मैं कर चुका हूँ इसको। तो ये क्या होते हैं, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर नॉन कंडक्टर। क्या इसके अंदर कोई बाहर से थर्ड पार्टी या थर्ड एलिमेंट आया है क्या? सर इसमें तो कोई नहीं आया, तो इसमें कोई नहीं आया इसीलिए ये प्योर है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। और इसकी खुद की प्रॉपर्टी से ही ये क्या बना है, कंडक्टर बना है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्टर। ठीक है गाइस, इन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनमें खुद की प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं, उसके बाद अपना नेक्स्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में अपन लोग फर्स्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं सेकेंड, डोप्ड कंडक्टर। और जिसने अपन लोगों की लास्ट क्लास लगाई है, केमिस्ट्री की लास्ट क्लास लगाई है, उसके तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और जो इस क्लास में है उनके प्रॉब्लम रहने वाली है। क्या प्रॉब्लम रहने वाली है, क्योंकि यहां वर्ड आया है डोप्ड, और अब आप लोगों को मालूम नहीं जिसने लास्ट क्लास नहीं लगाई कि डोप्ड क्या होता है, डोपिंग प्रोसेस क्या होती है। जिसने लास्ट क्लास लगाई है उसको ऑलरेडी मालूम है कि डोपिंग प्रोसेस क्या होती है। तो आज के लिए आपको होमवर्क ये रहेगा कि डोपिंग प्रोसेस जो है या डोपिंग मेथड जो है, डोपिंग प्रोसेस है वो क्या है, उसको आपको वहां कमेंट बॉक्स में एक या दो लाइन के अंदर अपना जो ब्रीफिंग है वो डालनी है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए ये जब टॉपिक कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जरूरी है। डोप्ड कंडक्टर, डोपिंग क्या होती है, डोपिंग इज ए प्रोसेस इन विच इंप्योरिटीज आर मिक्सिंग विद क्रिस्टल्स सॉलिड्स, कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, तो इसमें अपने इंप्योरिटीज मिलाएंगे, इसी इंप्योरिटीज के बेस पे ये जो डोप्ड कंडक्टर है कितने टाइप के हो जाते हैं, टू टाइप के। एक तो है एन टाइप कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। सेकेंड है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पहले हमने देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनमें आपको क्या करना होता है कि यहां अब सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, हमने किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन जो है वो कौन से मेंबर से बिलोंग करता है, अगर मैं बात करूं ग्रुप में तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बन कार्बन के बाद कौन आता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बाद कौन आता है, जर्मेनियम आता है। ये वाला जो ग्रुप है ये रहता है किसका, ये रहता है किसका, इसका सिलिकॉन का। मेरे पास यहाँ एक प्रेडिक्टेबल का एक छोटा सा मैप है, मैं आपको दिखाता हूं उसको। मेरे हाथ में ये है और मैं आपके लिए यहां पे अलग से लगवा दूंगा ये स्लाइड लगवा दूंगा अलग से, टाइम है 2 या 3 सेकंड के लिए आपको दिखाई दे जाएगा कि जो सिलिकॉन है वो कार्बन के नीचे कौन से ग्रुप में है, 14th ग्रुप में है, इसके इस पास कौन सा है, 13th ग्रुप है, और इसके इस तरफ कौन सा है, 15th है। 13th में कौन है, बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, सॉरी गैलियम है, और कार्बन के पास कौन आता है, ये सॉरी
नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन नीचे कौन है, फास्फोरस है, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है, तो इस तरह चलते हैं। तो अपने को ये ध्यान में रखने हैं, सिलिकॉन किसमें है, 14th में, 13th में कौन है और 15th में कौन है, ये अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है गाइस, यहां से आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। मैं आपके लिए लगा दूंगा, यहां पे स्लाइड लगा दूंगा, आप देख लेना उसमें। तो अन्य में वाले में क्या करते हैं, ये कौन से ग्रुप का है, 14th ग्रुप का, इसमें क्या करते हैं अपने 15th ग्रुप की कुछ इंप्योरिटीज मिलाते हैं। सर क्या मिलाते हैं, मैं मिलाता हूं आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक जो कौन से ग्रुप का है, 15th ग्रुप का है। आर्सेनिक मिलाने से क्या होगा, सर आर्सेनिक मिलाने से आर्सेनिक एक सिलिकॉन की जगह आ जाएगा, ठीक है भाई, आर्सेनिक को मैंने सिलिकॉन की जगह डाल दिया, आर्सेनिक सिलिकॉन की जगह डाल दिया मैंने, लेकिन आर्सेनिक के वैलेंस सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां सिलिकॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, इट मींस यहां पहले सिलिकॉन था, तो सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक इसी एक सिलिकॉन के साथ, यानी इस वाले सिलिकॉन के साथ, इसको मैं असाई 1, इसको असाई 2, इसको असाई 3, इसको असाई 4 नेम दे देता हूं, ठीक है, ये ओनली नेम के अकॉर्डिंग है, पर फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉन ये S1 का है, असाई 1 का आ गया, ठीक है, ये आ गया सेकंड सिलिकॉन का, ये इलेक्ट्रॉन जो जिससे ये वाला सिलिकॉन है, जिस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करा था, दिस इज ए सेकंड और नेक्स्ट थर्ड और नेक्स्ट है फोर्थ के साथ पार्टनरशिप, फोर्थ सिलिकॉन के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, आर्सेनिक आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, एक हल्का सा डिफरेंस है, वो देखेंगे क्या होता है। उससे पहले सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, एक इसके साथ कर लेगा जैसा कि पहले वाले ने करेगा, दूसरा इसके साथ कर लेगा, तीसरा इसके साथ कर लेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। सर चार नहीं की है पार्टनरशिप, आर्सेनिक में तो 5 बता रहे हैं आप, सही बता रहा हूं, 5 बता रहे हैं, तो पांचवा कहां है, दिस इज ए स्मॉल डिफरेंस विच हैव बिग कॉन्क्लूजंस, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, अब ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो ये क्या कर पाएगा, अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाएगा, तो ये क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। तो सर ये कंडक्टर तो पहले भी बन रहा था, प्योर वाले ही तो बन रहे थे, क्या जरूरी थी इतना माता बची करने की, इंप्योरिटीज मिलाने की, डोपिंग प्रोसेस की, व्हाई टू मिक्स इन दिस क्रिस्टल एडिक सो मेनी इंप्योरिटीज, व्हाई वी वेस्ट सो मच मनी, देयर इज वन रीजन, बिकॉज़ नाउ इट बिहेव एज कंडक्टर ऑन 0 केल्विन टेंपरेचर। समझ आई क्या बात है, अब ये 0 केल्विन टेंपरेचर में भी क्या है, कंडक्टर है, किसकी वजह से, इस आर्सेनिक की वजह से, और इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीजन है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव के एन से क्या बढ़ाया है, ये एन आया है, ये एन किसके लिए है, नेगेटिव के लिए, समझ आ गई होगी भाई गाइस बात। तो मैं उस तरह वाले लफड़े को, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर का जो डायग्राम था बनाया है, उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने टाइम में। काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैं सेम डायग्राम बना लेता हूं पहले। सर डायग्राम सेम ही रहता है क्या, अरे डायग्राम नहीं बना रहे, अपने स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्ट्रक्चर चेंज थोड़ी हो, और इतनी आसान स्ट्रक्चर मिलती कहां है, इतने आसान डायग्राम कहां मिलते हैं आपको, क्या मिल पाएंगे क्या, इम्पॉसिबल है। ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर इतनी ही नहीं होती,
इसके आगे और होते हैं, इसके ऊपर होते हैं, ये फिर उसके बाद है क्रम हो जाता है, फिर आगे क्रम हो जाता है, मतलब एक पैक्ड स्ट्रक्चर होती है इसमें, कोई ठीक है ना, ये कोई मतलब इतना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब आप मेरे को ये बताएंगे आपके लिए क्वेश्चन जो रहने वाला है, हाँ मेरे दिमाग में आ गया आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आप मेरे को ये बताएंगे क्या अर्थ पर सिलिकॉन मिलता है, क्या सिलिकॉन जो है वो इतना अपने कह रहे हैं इट इज ए सो मच प्रीसियस एलिमेंट दैट वी कैन फॉर्म सोलर पैनल्स विद द हेल्प ऑफ या फ्रॉम सिलिकॉन, वी कैन फॉर्म सोलर पैनल्स फ्रॉम सिलिकॉन्स। तो क्या ये सिलिकॉन अपने अर्थ पे है, क्या ये यहां एग्जिस्ट करता है क्या, अगर एग्जिस्ट करता है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपने क्वेश्चन सुनते जाना ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्या ये यहां एग्जिस्ट करता है क्या, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म के आपको नेम वगैरह लिखने हैं, और ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या वो यूजफुल है क्या, क्या उससे सोलर पैनल बनाए जा सकते हैं क्या, अगर नहीं बनाए जा सकते तो ये आपको लिखना है कि नहीं बनाए जा सकते, अगर बनाए जा सकते हैं तो बनाए जा सकते हैं, रीजन वगैरह जो है वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, वो बाद में बात करेंगे ठीक है। एक हल्का सा रीजन तो होता है वो आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है कि सिलिकॉन क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है तो कहां करता है, किस फॉर्म में करता है, कितना करता है, कितनी अमाउंट है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सिलिकॉन एग्जिस्ट ऑन अर्थ ठीक है, और अर्थ पे कहां करता है ये आपको बताना है, किस फॉर्म में करता है, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है, लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर के कंपटीशन क्लासेस के लिए भी काम आने वाला है ठीक है सर, कर लेंगे, वेरी गुड, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो अपने देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए आप लोगों ने इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिलाई, एंड दीज इंप्योरिटीज आर डेटेड फ्रॉम 15th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड दैट इज ए आर्सेनिक। Now we have to mix some impurities from a 13th group. 13th group कौन सा है सर? Boron, aluminium, gallium ये वाला। सर तो इसमें से क्या मिला है? इसमें boron मिला था। ठीक है सर आपने कहा और हमने कर दिया। Thirteenth group से यहाँ boron ले दे। सर दिक्कत तो वही, यहां पहले वाला सिलिकॉन क्या कर रहा था, पहले वाला सिलिकॉन जो है इस फर्स्ट सिलिकॉन के साथ, फिर इस सेकंड सिलिकॉन के साथ, फिर थर्ड सिलिकॉन के साथ, फिर फोर्थ सिलिकॉन के साथ, कार्बन की तरह इन चारों सिलिकॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ पार्टनरशिप कर रखी थी और बॉन्ड बना रखे थे ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये इसके फोर इलेक्ट्रॉन और ये एसआई वन का इलेक्ट्रॉन, ये एसआई टू का, ये SI3 का और ये SI4 का, इनके साथ इसने बॉन्ड बना रखा पार्टनरशिप ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या डाल दिया, इसकी जगह बोरॉन डाल दिया। अब सर आपने जैसे ही बोरॉन डाल दिया ना, जैसे क्या डाल दिया, बोरॉन डाल दिया, लेकिन बोरॉन में तो 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, यहां इस तरफ तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रह गया, इस तरफ क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन यहां क्या बन जाता है, यहां एक पॉजिटिव स्पेस बन जाता है, यहां एक स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसकी नेचर क्या होती है, पॉजिटिव, जिसकी नेचर क्या होती है, पॉजिटिव। समझ में आ रही है क्या मेरी बात गाइस, जब यहां बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है तो बोरॉन के पास यहां क्या क्रिएट हो जाती है, स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है ठीक है, और ये कंडीशन की नेचर क्या बन जाती है, पॉजिटिव, क्या बन जाती है, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव कंडीशन, स्पेसिफिक पॉजिटिव कंडीशन को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, होल बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में नेम लिया था होल और अभी सेकंड टाइम नेम आ रहा है होल, यहां पे होल ये होते हैं गाइस, समझ आ गई होगी आपकी बात, होल है यहां, एक स्पेसिफिक पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट होती है इसे ही क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, जिसकी नेचर होती है पॉजिटिव ठीक है, ये इसकी नेचर है पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे,
सर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इसकी तरफ, जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो क्या यहां पॉजिटिव रहेगा क्या? नहीं, ये इधर रहेगा। समझे मेरी बात को? क्या जब ये नेगेटिव यहां आएगा तो क्या यहां नेगेटिव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यहां तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वल हो जाएगा, लेकिन अब यहां क्या रह गया? जैसे मान लो वापस बात करते हैं अपने कि इलेक्ट्रॉन यहां इस पॉजिटिव के पास आ जाता है, इस होल में आ जाता है, ठीक है? ठीक है सर, यहाँ पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ इक्वल हो गया, लेकिन जब ये यहाँ आ गया तो यहाँ क्या रह गया? क्या रह गया? वहां कुछ नहीं रहा, तो यहाँ क्या बन गया? फिर होल बन गया, उस टाइम यहाँ क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ आ रही है आपके बात गाइस? तो ये इस तरह क्या बन जाता है? यहाँ होल बन जाता है, और ये होल जो है वो इधर से उधर, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो होल किस तरफ जा रहा है? ऑपोजिट साइड में, तो ये ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं, और ऑपोजिट साइड में मूव करते हुए किसको फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ एक स्पेसिफिक फिनोमिनन क्या हो रहा है? स्पेसिफिक फिनोमिनन यही हो रहा है गाइस कि यहाँ होल बन रहा है। क्या बन रहा है? होल। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का जो रीजन है वो क्या है? होल है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का रीजन क्या है? होल है, ना कि इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे अपने? होल को। यहाँ कौन है? यहाँ है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ क्या नहीं बन रहा? होल नहीं बन रहा। अगर इलेक्ट्रॉन अपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके यहाँ आ भी जाए तो होल यहाँ नहीं रहने वाला, होल आगे चले जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो करने का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेन फैक्टर है, वो कौन है? होल। ठीक है, अब इसके अंदर होल की नेचर क्या होती है? पॉजिटिव P4, P type. तो समझ में आ गया होगा आपके गाइस कि इनको P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, किसमें कौन सी इंप्योरिटीज मिलाते हैं। इंप्योरिटीज मिलाने से होता क्या है कि ये जीरो केल्विन टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं, और यहाँ अपना सेमीकंडक्टर का तब कंप्लीट होता है। जो प्योर कंडक्टर थे सेमीकंडक्टर, उन्हें बोल रहे थे अपने इंट्रिंसिक कंडक्टर, बिकॉज देयर इज नो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग फैक्टर इन फ्रॉम आउटसाइड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट हियर देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फैक्टर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फैक्टर दैट्स कम आउटसाइड फ्रॉम ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो दैट इज नोन एज ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ने क्या बोलते हैं? डोप्ड कंडक्टर को क्या बोला जा सकता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी बाहर से जो हेल्प होती है। एक्सट्रिंसिक होते हैं जो बाहर से हेल्प होने वाले, और इंट्रिंसिक होते हैं जो अंदर से होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मेरे हिसाब से आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आज के लिए इतना ही करने वाले हैं। आज आप लोगों का जो होमवर्क था वो शायद होमवर्क आप लोगों नोट कर लिया होगा, तो ये आपको साथ साथ क्या करते जाने हैं, रीड करते जाने हैं, वरना आप लोग पजल हो जाओगे कि इसमें कौन सा मिलाते हैं किसमें कौन सा नहीं मिलाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि साथ साथ रिविजन करते जाओ, टाइम स्पेंड करते जाओ, थोड़ा बहुत स्टडी के अंदर आप लोग बेस्ट बनते जाओगे, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। तब तक नेक्स्ट मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, स्टे होम।